ज्ञानी बहुत हो सकते हैं लेकिन दो आत्म ज्ञान है, अपना जो विचार है इसको विवेक कहते हैं, वो कहीं कहीं देखने को मिलता है। मुर्शिद लाए पीर आलम और याद कर तू हर घड़ी, गफलत ना कर होशियार हो बस बाजी प्राप्ति नहीं होगी।
Oh,
भजन उस उंगलीवान डाकू का नाम तो सभी ने सुना होगा, जब बाद में महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना गया। वो लूट लूट करके धन लाता था और परिवार का लालन और पालन करता था। एक दिन जैसे हमारे बीच में गद्दी में विराजमान आदि के संत ऐसे चले जा रहे थे और उस उंगलीवान डाकू ने उनको पकड़ लिया। हे महात्मा, जो भी आप ले रहे हो हमारे, चलो भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, दो लिया खाली इसलिए तो चलो मैं खाली बड़ी की बात नहीं कर रहा, जो भी है कर अगर क्या तो महात्मा जी ने कहा कि भाई तू ये कर्म किसके लिए करता है? जन अपने परिवार का लालन और पालन करता है। जाओ उस परिवार से पूछ, जिस दिन तुम्हें उस समय की आहत पड़ेगी, तुझे वो परिवार बचा लेगा या नहीं? तो सूरी मान डाकू ने महात्मा जन से कहा कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मैं इतने परिवार से पूछूं आप यहां से निकल कि भाई संत की जो वचन होते हैं वो अटल होता है मुझे मान के आला से, लेकिन एक बार जाकर पूछे तो जाकर के पूछा तो सबका एक जवाब मिला, बोलिया हमें तो खाने के लिए से हम पैदा कर रहे, हमें नहीं पता कि क्या कोई पकड़ेगा तो मारेगा क्या। तो समझ ले अभी वक्त जागने का है, सो तू जाग और दूसरी कड़ी में क्या समझता की तरह तू है वाले की।
और अपनी ईर्ष्या में खुल चल करके मर जाता है।